तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, और मैं हूं आपका दोस्त नितिन तिवारी। और अब हम जा रहे हैं भाई समुद्र दर्शन करने। तब वहीं पे जो सोमनाथ मंदिर है उसके बगल में एक रास्ता सा बना रखा है, तो वहां से आप समुद्र दर्शन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सनसेट व्यू दिखाई देगा वहां से, सनसेट होने ही वाला होगा अभी आधा एक घंटे में। अगर उसमें कुछ टिकट वगैरह है मैं आपको वहीं पहुँच के बता दूंगा, लोकेशन भी समझा दूंगा। फिलहाल मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ ये मैं वहाँ से जा रहा हूँ, बाकी इसका मैंने प्रॉपर व्लॉग बनाया, आप चेकआउट कर लेना। और बाकी लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे शायद हम इसी वीडियो में, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। टाइमिंग शायद 7-7:30 बजे है, वो सब मैं आपको वहीं पहुँच के बता दूंगा। फिलहाल चलते हैं अभी समुद्र दर्शन करने के लिए। तो भाई थोड़ी लोकेशन समझ लो आप, ये सामने सोमनाथ मंदिर है, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, इसी के मतलब ये रोड आ रही है। देखो यहाँ से आप आओगे चल के, ये रोड से यहाँ पे है ओशियन व्यू, तो इसमें जाना है हमको। बाकी से कुछ टिकट वगैरह मैं पता करता हूँ, बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप, लोकेशन आप समझ गए। सब आस पास ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है सोमनाथ का बिल्कुल बगल में ही, तो अगर बस बस ले सकते हो सामने ही। और यहाँ से चलते हैं अब ओशियन व्यू। भाई व्यू बहुत बड़ा आने वाला, देख रहे हो आप सनसेट होने वाला है, तो फटाफट चलते हैं। तो ये सामने है टिकट काउंटर, इधर साइड चलते हैं, भीड़ भी कम लग रही है ना इस समय, तो यहाँ से टिकट लेते हैं यार। अच्छा टिकट है तो वहाँ पे टिकट, यहाँ लिखा हुआ है भाई आप पढ़ लो, टिकट्स हैं भाई इसके सिंगल 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ये आप ले लो यहीं से मिल जाएगा आपको। तो ये ले लिया भाई हमने टिकट, 5 रुपये है भाई एंट्री पर पर्सन, यहाँ से एंटर हो जाएंगे हम। ये 20 रुपये साइकिल रेंट है, ये 20 रुपये तो चलो ठीक ही है, 20 रुपये में आप साइकिलिंग रेंट कर सकते हो, बाकी आप पैदल भी चल सकते हो, तो बढ़िया लग रहा है वैसे कॉरिडोर। तो 5 रुपये है भाई इसकी एंट्री, बाकी साइकिल वगैरह आप रेंट कर सकते हो 10 रुपये में या फिर 20 रुपये में, मैंने आपको रेट दिखा दिया है। बाकी एंट्री 5 रुपये की है इसकी, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है यार। और बाकी व्यूज़ काफ़ी अच्छे, मैं व्यूज़ दिखाता हूँ आपको, बायनाकुलर वगैरह है यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी भाई सनसेट होने वाला है, और यहाँ पे लगे तो पड़े लोग वहाँ समुद्र में, ये देखो ये सब पता नहीं क्यों सब बंद सा लग रहा, देखो ये भाई चप्पल पहन के आना, ये देखो जगह तो मस्त है भाई, वसूल है 5 रुपये, मतलब मस्त जगह है। वो गोपाल को बुला लो यार, गुरुदेव यार। भाई ये देखो कितना प्यारा सनसेट होने वाला है उधर ना, और यहाँ लोग समझ लो कितना नीचे आ गया स्लोप, अगर आप समझ पा रहे हो देखना, देखो कितनी ज़्यादा स्लोप है नीचे को ना, ये नीचे को ढलान है ये पूरी, और समझना ऐसा लग रहा है पीछे को हट रहा है। इतनी भीड़ भी नहीं है, मतलब इतनी भीड़ भी नहीं है, आप आराम से बहुत इंजॉय कर सकते हो ना, बहुत ज़्यादा घच पर चुरक के ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मज़ेदार सुकून आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ। अब चलते हैं उस सर, टाइम बता दूं मैं, 7 बज चुके हैं अभी तक, तो मतलब देखो वहाँ पे होगा ना, अभी कुछ शुरू हुआ नहीं, हल्की बहुत लाइटें आना शुरू हो गई हैं वहाँ, तो अब चलते हैं लाइट एंड साउंड शो देखने। अंदर तो वैसे भी वीडियोग्राफी अलाउड होगी, तो बाहर से देखते हैं कहीं किसी पॉइंट से थोड़ा बहुत दिखेगा, तो अंदर तो वैसे भी अलाउड है ही, चलते हैं उस साइड।
अब चलते हैं। सही बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया कॉरिडोर बना रखा है, सीधा मतलब मंदिर के पास तक जाता था, वैसे अंदर अलाउड नहीं था, यहाँ से देख सकते हो बहुत पास से मंदिर या फोटो वगैरह। भाई यहाँ से देखो कितना प्यारा लग रहा है मंदिर ना, ये यार वैसे मंदिर अगर अंदर अलाउड नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई मंदिर। थोड़ा और पास चलते हैं, अभी रात हो गए ऐसे थोड़ा अच्छा वीडियो नहीं आ रही है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई मंदिर। देखो कितना प्यारा आ रहा है मंदिर ना, नाइट में अलग ही बात है, नाइट का अलग ही व्यू रहता है, कितना प्यारा लग रहा है रात में। ये देखो भाई इस साइड, ये ट्रेल से वॉक करते करते ये है भाई अरेबियन सी, अरब महासागर। इसे सीधा अगर आप जाओगे ना तो आप साउथ पोल पहुंच जाओगे, वहाँ वैसे लिखा हुआ है वहाँ पे ना, जब आप मंदिर अंदर जाओगे तो यहाँ से आप देख सकते हो सीधा बिल्कुल साउथ पोल है, तो आप साउथ पोल पहुंच जाओगे सीधा। ये अरेबियन सी है, ये अरब महासागर। ये रहा भाई मंदिर। लाइट शो का टाइमिंग है 7:45, तो 7:45 पर शुरू हो चुका है। सरस्वती ने आकाश आराम में प्रकट हुई और वरवानों को मैंने महासमुद्र अपने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के श्री शैलम, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ हिमालय में, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और कृष्णेश्वर महाराष्ट्र, विश्वनाथ काशी उत्तर प्रदेश, नागेश्वर द्वारका गुजरात में, बैद्यनाथ झारखंड में और रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। Bye.
अद्भुत दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। मंदिर में एक टन से भी अधिक वजनी सोने की घंटी सोने की भारी जंजीरों से लगाई जाती थी। हजारों पंडित मंत्रोच्चार करते थे। 500 से ज्यादा नर्तकियां भगवान शिव की आराधना में नृत्य प्रस्तुत करती थी। तो भाई हम आ चुके हैं शो देख के, भाई बहुत वर्थ है यहाँ से भी, बाकी अब अंदर से भी देख सकते हो। बस अंदर से क्या दिक्कत है कि आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा बहुत वीडियोग्राफी बनानी तो आपको इधर आना पड़ेगा। ये 5 रुपये का जो हमने टिकट लिया है ओशन व्यू के साइड में, ये बाकी अब अंदर से तो अंदर 30 रुपये का टिकट है भाई। मुझे नहीं लगता भाई इससे कुछ वर्थ होगा 30 रुपये में। आप इतना बढ़िया शॉप पूरा, मतलब आपको हिस्ट्री बताएंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आप ज़रूर करना अगर आप रुके हो ना भाई। मस्त 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 करने वाली चीज़ है। 30 रुपये का है टिकट लाइट शो का। बाकी और कोई सवाल वगैरह अगर आपके हैं तो नीचे कमेंट डाउन कर देना, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रात के समय है देखो आप, यहाँ हमने फ़ोन फान रखा था, सामने मंदिर है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। रात में कुछ ऐसा व्यू है, अभी मेरा दर्शन चल रहे हैं, कुछ टाइमिंग नहीं है शाम की, रात में 10 बजे तक शायद, पता नहीं कुछ टाइमिंग है, अभी तो चल ही रहे। देखो